नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, विपक्ष के गठबंधन के नाम का ऐलान हो चुका है। नए गठबंधन का नाम होगा इंडिया। आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस। तो ये पूरा नाम है इंडिया। विपक्ष के गठबंधन के नाम की ऐलान हो चुका है और जो नाम रखा गया है वो इंडिया रखा गया है। पहले पीडीए नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब विपक्ष के गठबंधन का जो नाम है वो इंडिया रहने वाला है। आई फॉर इंडियन और एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस। तो ये नाम है विपक्ष के गठबंधन का। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ अब जो नाम होगा गठबंधन का उसको लेकर खबर सामने आ चुकी है। जो फुल फॉर्म रहने वाली है इंडिया की वो भी आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, आई से इंडिया, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस नाम रखा गया है। तो ये पूरा नाम है विपक्ष के गठबंधन का। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। विशाल इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, सुनिए जरा। विशाल इस वक्त हमारे सहयोगी आपको जानकारी साझा कर रहे हैं, सुनिए। लगातार इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इनके बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा सीटों का, और क्या ये सभी लोग किसी एक चेहरे पर सहमत हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल साफ है कि पूरा एनडीए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन अगर आप इस इंडिया की बात करेंगे जिसके नाम का अभी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही विपक्षी दलों की बैठक में, तो उसमें चेहरा कौन होगा इस पर अभी तक कोई भी बात होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही क्योंकि एक जहां पर सीट बंटवारे पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी, दूसरा चेहरा कौन होगा इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि हर आदमी जो विपक्षी दल है वो अपने आप को प्रमुख चेहरे के तौर पर मानता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इन दो मुद्दों पर सहमति बन पाएगी विपक्ष में या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं, चाहे वो सीटों के फॉर्मूले को लेकर हो, लीडरशिप को लेकर हो, और क्या इस नाम को लेकर सभी सहमत हो गए हैं। तो वाकई ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तलाशना बाकी है, और शायद हो सकता है कि जल्दी इन सभी सवालों को लेकर भी तस्वीर क्लियर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लीडरशिप को लेकर भी अभी बना हुआ है। अब ऐसे में लीडरशिप को लेकर कब तक पिक्चर क्लियर होती है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दो दिवसीय बैठक जो बेंगलुरु में चल रही है और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नए गठबंधन का नाम इंडिया होगा और जो इंडिया की फुल फॉर्म है वो आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आई फॉर इंक्लूसिव और ए फॉर अलायंस। तो ये इस तरह से पूरा नाम सिलेक्ट किया गया है इंडिया। लेकिन अभी इसके इतर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये जो आपसी सहमति को लेकर सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि कई बार चाहे टीएमसी की हम बात कर ले, क्योंकि अभी देखिए आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार कांग्रेस से भी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं, चाहे वो सीटों का फॉर्मूला हो उसको लेकर हो या फिर अभी आपसी सहमति क्या इन सभी दलों की जो इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं विपक्ष की, क्या आपसी सहमति बन गई है हर एक मुद्दे को लेकर, और अभी सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उस पर कब तक तस्वीर क्लियर होती है, या फिर इसके अलावा लीडरशिप को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि लीडर आखिरकार कौन होगा ओपोजिशन का, यह भी एक बड़ा सवाल है। चेहरा कौन होगा, तो इसको लेकर कब तक चीजें क्लियर होती हैं यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो नाम सामने आ रहा है, पहले पीडीए सामने आ रहा था लेकिन अब इंडिया नाम सामने आ रहा है। आई फॉर इंडियन है और इसके अलावा एन से नेशनल है, डी से डेमोक्रेटिक है, आई से इंक्लूसिव है, ए से अलायंस है। तो ये नाम रखा गया है विपक्ष के गठबंधन का, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बैठक अभी चल रही है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ तो देखिए एनडीए बैठक कर रही है, अभी हाल ही में आपने देखा सुबह सपा भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, यानी एनडीए का विस्तार हो रहा है। लेकिन जो विपक्ष की बैठक है, जिस मोटिव के साथ विपक्ष ये बैठक कर रहा है मिशन 2024 को लेकर, क्या वो वाकई इतना इजी है जितना नजर आ रहा है। देखिए नाम जरूर फाइनल हो गया है, लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिन्हें फाइनल होना है, और सबसे बड़ी इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो सीटों को लेकर ही है या फिर लीडरशिप को लेकर ही है।